परिवहन मंत्री आफताब अहमद ने सोहना के शिवम वाटिका में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर उन्हें मेवात में होने वाले जिला कांग्रेस सम्मेलन के बारे में जानकारी दी। मीटिंग के दौरान आफताब ने रेल भाड़े को बढ़ाए जाने का विरोध करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने लोगों से झूठ बोलकर सत्ता हासिल की है। भाई होने बोल लो। अरे जब यहाँ का तुम है तो है ना। कार्यकर्ताओं से मुलाकात का और उनके लोगों से समस्याएं सुनने का और आने वाले 26 तारीख को जिला कार्यकर्ता सम्मेलन जो दुहू में जिसमें माननीय मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर आ रहे हैं उसकी तैयारी के लिए उसके लिए आज ये आपस में बैठक हुई थी। जो ये झूठ की पोल खुल रही है जो प्रधानमंत्री बनने से पहले बड़े बड़े लंबे चंबे वादे करता था आज जिस तरीके से इतनी इतिहास में कभी वृद्धि नहीं हुई जितनी इसमें हुई है तो इसलिए ये तो अभी इनके जो झूठे वादे और जो लुभावने बातें कर करके इन्होंने सत्य हत्याई है उसका एक सच्चाई के एक सामने एक पहलू आया। अभी ये तो आगे आगे देखिए और कांग्रेस इसके लिए पुरजोर जनता के साथ मिलकर संघर्ष करेगी और इसका विरोध करेगी।